जो तेज आंधियों का झोंका है उसको किसने रोका है, और एक कायरों के लिए जो मुश्किल है वीरों के लिए वही मौका है। स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंटली आप सभी की डिमांड्स आ रही थी कि सर फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं अभी से इसी वक्त से। अब इसके पीछे कारण क्या था, क्लासेस आपकी स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रही थी, तो कारण ये था कि जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जो सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो आपके जो भी जूनियर्स हो, जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर सीएस फाउंडेशन करना चाहते हो, सीएस कोर्स करना चाहते हैं, उसका सीएसईटी जो लेवल होता है, सीएस फाउंडेशन जो लेवल होता है उसको क्रैक करना चाहते हो, तो उसकी भी क्लासेज आपका टारगेट सेमेस्टर अब ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहा है आपके मोहद्दीपुर में। तो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं, और यही कारण था इसकी प्लानिंग और इसका एग्जीक्यूशन जिसकी वजह से आपकी क्लासेस में डिले हुआ, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आज से अभी से इसी वक्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाती हैं। अगर मैं बात करूं आज के सब्जेक्ट की जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स फर्स्ट। आई थिंक आपने सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो देखा होगा जिसमें आपका सबसे पहला जो सब्जेक्ट था इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट ही था। तो शुरुआत पहले सब्जेक्ट से ही हम करेंगे। अब जैसे ही बच्चा सब्जेक्ट का नाम देखा होगा तो पहले उसके जहन में ये प्रश्न आया होगा कि सर ये इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स तो छोड़िए, पहले टैक्स क्या होता है और टैक्स का इतिहास क्या है, टैक्स क्यों लगता है लोगों पे, सरकार टैक्स क्यों वसूलती है हमसे, क्या जरूरत है सरकार को वसूलने की। तो अगर मैं बात करूँ टैक्स शब्द के इतिहास की, तो टैक्स वर्ड डिराइव हुआ है टैक्सेयर शब्द से, और टैक्सेयर एक लैटिन शब्द है। क्या है दोस्तों, टैक्सेयर एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन वर्ड है, और टैक्सेयर का मतलब होता है टू एस्टिमेट और टू वैल्यू, हिंदी में आकलन करना या मूल्यांकन करना, ये टैक्सेयर शब्द का मतलब होता है। लेकिन क्या टैक्स यही है, बिल्कुल भी नहीं, टैक्स का मतलब कुछ और है, टैक्स का कंसेप्ट कुछ और है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, टैक्स शब्द टैक्सेयर शब्द से डिराइव हुआ है, और टैक्सेयर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब टू एस्टिमेट या टू वैल्यू होता है। इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न आपके जहन में आएगा, सर ये टैक्स क्या है, टैक्स का डिफिनेशन बताइए। तो टैक्स का डिफिनेशन होता है दोस्तों, टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन। क्या दोस्तों, टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन, यानी वित्तीय बोझ इंपोज्ड बाय, यानी लगाई गई है किसके द्वारा, इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट यानी सरकार, इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन पर्सन। डिफिनेशन बहुत सिंपल है, टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन पर्सन। अब सबसे पहला जो शब्द आपको कंफ्यूज करेगा, सर ये फाइनेंशियल बर्डन क्यों कहा आपने टैक्स को, कैसे फाइनेंशियल बर्डन है, कैसे वित्तीय बोझ है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप में से सभी लोग टैक्स पे करते हैं, जीएसटी, कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उस पर आपको 5%, 12%, 18%, 28% स्लैब रेट के हिसाब से आप पे जीएसटी ली जाती है। स्पेशली अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द गुड्स पे 18% का ही जीएसटी लगता है, 18% या 12% का, तो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, टैक्स तो हम लोग रोज देते हैं। लेकिन क्या टैक्स आप बड़ी स्वेच्छा से अपने मन से देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है टैक्स देने में, बिल्कुल भी नहीं भाई, पैसा बड़ा मुश्किल से कमाते हैं, हमारी हार्ड अर्नड मनी है और उसको सरकार जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से वसूल ले रही है, तो ये बात तुमको अच्छी नहीं लग रही है। तो टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है, एक वित्तीय बोझ है, क्योंकि इसको देने में इंसान को तकलीफ होती है। जीएसटी के केस में तो तकलीफ थोड़ी कम होती है क्योंकि बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, उस इंसान को कन्फ्यूजन, उसको पता ही नहीं होता है कि मैं जीएसटी भी पे कर रहा हूँ। लेकिन जब टैक्स आपके इनकम पे वसूला जाता है, आपकी कमाई पे लगाया जाता है, तो और ज़्यादा दर्द और ज़्यादा तकलीफ होता है, इसीलिए इसको फाइनेंशियल बर्डन कहा जाता है, क्योंकि टैक्स कोई मर्जी से नहीं पे करता है, टैक्स उसको देना है, एक लीगल प्रोविजन है, इसीलिए उसको देना पड़ता है, और ये एक प्रकार से उसका फाइनेंशियल बर्डन है, एक वित्तीय बोझ है। अब यहाँ पे अगला शब्द है इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। टैक्स हम नहीं लगा सकते हैं आपके ऊपर, टैक्स कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपके ऊपर नहीं लगा सकता है, टैक्स आपकी माँ आपके ऊपर नहीं लगा सकती हैं, आपके पापा आपके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, टैक्स लगाने का अधिकार केवल सरकार को होता है, गवर्नमेंट को होता है। लेकिन गवर्नमेंट भी टैक्स तभी लगा सकती है जब उसके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास किया गया हो।
ऐसा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेसिफाई किया गया है। आर्टिकल 345, हम लोग आर्टिकल्स के विषय में भी चर्चा करेंगे, 345, 346, इसके अलावा 265, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपके, आर्टिकल 82 जो टैक्सेशन सिस्टम के विषय में डील करते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि टैक्स जो है वो एक फाइनेंशियल बर्डन है जो इम्पोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा ऑन अ पर्सन। अ पर्सन यानी व्यक्ति। अब जैसे ही पर्सन शब्द आता है तो आप समझते हैं पर्सन का मतलब मैं और आप। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं देन इट मीन्स यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि पर्सन का मतलब दो पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जिसको भगवान ने बनाया है और आर्टिफिशियल पर्सन जिसको इंसान ने बनाया है। जैसे हमको, आपको, हम सभी को भगवान ने बनाया है, देन वी आर कवर्ड अंडर नेचुरल पर्सन कैटेगरी। और ऐसे बॉडीज, ऐसे कंपनीज, ऐसे कॉरपोरेट्स, ऐसे बैंक्स, ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म्स, ऐसे LLPs, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसे NPOs जो हमने बनाया है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। यानी पर्सन के डिफिनीशन में नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है, कंपनी भी आता है, बॉडी कॉरपोरेट भी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, NPO, ट्रस्ट, सब कुछ पर्सन के डिफिनीशन में आपके कवर हो जाते हैं। मतलब पर्सन में भगवान के द्वारा बनाया गया इंसान तो आता ही है, इंसान के द्वारा बनाया गया इंसान भी आता है, इंसान के द्वारा बनाया गया पर्सन भी आता है, यानी आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है। तो टैक्स जरूरी नहीं है कि केवल आपके और हमारे जैसे लोग पे करते हैं, टैक्स कंपनियां भी पे करती हैं, टैक्स बैंक भी पे करता है, टैक्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पे करता है। कई जगह एग्जेम्पशंस मिले होते हैं, बिल्कुल मिले होते हैं, लेकिन एग्जेम्पशंस की चर्चा हम करेंगे आगे वाले लेक्चर में। लेकिन जनरली आपको ये जानना है कि टैक्स केवल हम नहीं पे करते हैं, कंपनियां भी पे करती हैं, बैंक्स भी पे कर सकते हैं, करते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी पे करते हैं, इवन आपका जो टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर है ये भी टैक्स पे करता है अलग अलग माध्यम से। जब हम भी कोई सामान खरीदते हैं तो GST हम देते हैं, इसके अलावा इनकम टैक्स भी स्लैब रेट में अगर हम कवर होते हैं तो हमको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। चलिए, तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि टैक्स क्या है। टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है, यानी एक वित्तीय बोझ है जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया गया है व्यक्तियों पे, यानी पर्सन्स पे। अब भाई ये तो ठीक है गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया गया, लेकिन भाई गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती क्यों है, क्यों लेती है गवर्नमेंट टैक्स? तो उसके पीछे भी लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट को हमारे देश की इकोनॉमी को चलाना है, रोड्स बनवाने हैं, ब्रिजेस बनवाने हैं, बिल्डिंग्स बनवाने हैं, रेलवेज बनवाने हैं, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, यूनिवर्सिटीज बनवाने हैं, आपके ट्रेन्स बनवाने हैं। ये सारे खर्चे कहाँ से आएंगे? इन सारे खर्चों के लिए गवर्नमेंट के पास चार सोर्सेज ऑफ अर्निंग होती हैं, चार कमाई के जरिए होते हैं। पहला जो कमाई का जरिया सरकार के पास होता है वो होता है लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक से वो लोन ले सकता है। दूसरा जरिया प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, कुछ ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन होती हैं, जैसे आपकी LIC है, आपने नवरत्न कंपनी उसके बारे में सुना होगा, सेल, OIL, ये सारी कंपनियां। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट भी गवर्नमेंट का इनकम का एक सोर्स होता है। वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है, ये भी उसका इनकम का सोर्स है। एक इनकम का सोर्स होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे हाल ही में हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो कंसिस्टेंटली डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी आपने सुना होगा एयर इंडिया को बेच दिया गया, इसके पहले आपने सुना होगा कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा जो मोदी जी ने दिया था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस आप सभी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं इसलिए मैं आपको कॉमर्स जगत काम कैसे करता है, बिजनेस काम कैसे करता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हमारे मोदी जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे, कह रहे थे कि टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, क्यों डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसके पीछे एक एग्जाम्पल दिए थे, वो कहे थे कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको सरकार चला रही है और उस कंपनी की वजह से 100 रुपये की वो कंपनी है और उस कंपनी की वजह से 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 रुपये का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां उसमें सारे के सारे जो इम्प्लॉयज़ होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए प्रोडक्टिविटी ये है कि 100 रुपये की कंपनी है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर इसी कंपनी को सरकार किसी दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दे, ध्यान से, 100 रुपये की कंपनी है ये किसी और को बेच रही है, तो वो 100 रुपये में कंपनी तो खरीद लेगा, प्लस अब वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल काम करेगा वो फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा।
जब वो फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा, तो क्या होगा, उससे उस कंपनी का प्रॉफिट 30 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब वो 100 रुपये से कंपनी 30 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करेगी, और जब वो 30 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करेगी तो गवर्नमेंट को उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा 30%, और 30% 30 रुपये का कितना हो जाएगा, 9 रुपये। अब ध्यान से समझिएगा, पहले कंपनी का मालिक कौन था, सरकार यानी गवर्नमेंट। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही थी, 5 रुपये का। सरकार के इंप्लॉयज थे, उनकी सैलरी जा रही थी, बहुत सारे एक्सपेंस हो रहे थे, तो 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था सरकार को, ठीक है, और 100 रुपये की कंपनी थी। अब सरकार ने क्या क्या किया, 100 रुपये की कंपनी को बेच दिया, सरकार के हाथ में आ गए 100 रुपये। 100 रुपये तो उसको मिली गए, प्लस जिसको बेचा वो इंसान एक प्राइवेट इंडिविजुअल था, वो बिजनेस कर रहा है, और वो उस कंपनी से 30 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हर साल। और जब 30 रुपये का वो प्रॉफिट जनरेट करेगा तो गवर्नमेंट के टैक्स रेट में उसको 30% का फॉर एग्जाम्पल टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्स होगा 9 रुपये। अब देखिए, प्रॉफिट से पहले गवर्नमेंट 5 रुपये कमा रही थी, अब टैक्स से गवर्नमेंट 9 रुपये कमा रही है। दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमारे जितने भी गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो शिथिल हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट कंपनीज ट्रेडिशनल थिंकिंग्स पे चलती आ रही हैं, जो आपकी पारंपरिक विचारधाराएं हैं, जो पारंपरिक स्ट्रेटजीज होती हैं बिजनेसेस की, कंपटीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं, प्राइवेट कंपनीज से फाइट नहीं कर पाती हैं, और आखिरकार उनको बंद करना पड़ता है, इसलिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो हम लोग टॉपिक कहाँ थे, हम लोग टॉपिक ये थे, इस टॉपिक पे थे कि सरकार कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है। तो सरकार के कमाने के 4 सोर्सेज हैं, पहला है प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा सोर्स है आपका लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है टैक्स, और चौथा है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी बेच देना, कंपनियों को बेच देना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि अपना जो स्टेक है, सरकार का जो स्टेक है वो विड्रॉ कर लेती है, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच देती है। जैसे अभी हाल ही में LIC का जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को बेचे गए, तो वो भी एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये 4 सोर्सेज हैं सरकार को पैसा कमाने के। अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छे सोर्स की, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकती है सरकार, वो है आपका टैक्स। कमा सकती है, कमा रही नहीं है सरकार, सबसे ज़्यादा पैसा अगर हमारे देश की सरकार किसी सोर्स से कमा सकती है तो वो है आपका टैक्स। कैसे, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से कम 130 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो जरूर, मतलब 140 करोड़ लोग ही जरूर अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ खरीदते होंगे। जब भी वो कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो हर एक चीज़ पर GST है, भले वो 5% का हो, 12% का हो, 18% का हो, या 28% का हो। 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर वो कोई भी सामान खरीदेगी तो कुछ भी रुपया अगर उसे हम कलेक्ट करते तो एक बल्क में वो पैसा क्रिएट होगा, बल्क में वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। और ये जो सोर्स है सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है टैक्स, क्योंकि आसानी से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल्स पार्लियामेंट में, बहुत सारे बहस होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट में। या फिर वर्ल्ड बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो अप्रूवल नहीं मिल पाता है, हो सकता है कि आपका खराब हो, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो, हो सकता है इंडिया का भी जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो, तो फिर वर्ल्ड बैंक से आपको लोन नहीं मिल पाएगा, IMF साथ लोन आपको लोन नहीं मिल पाएगा। और अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं तो आप प्रॉफिट जानती हैं गवर्नमेंट कंपनीज कितनी प्रॉफिटेबल हैं आजकल, अभी कुछ प्रॉफिटेबल हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है, उतने प्रॉफिट से कुछ होने जाने वाला नहीं है सरकार का, ठीक है। तो टैक्स एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स ऑफ अर्निंग है सरकार के लिए, इसीलिए कंसिस्टेंटली हमारे देश में जो टैक्स लॉज है उस पर हमारे देश की गवर्नमेंट काम करती है। हर साल आप लोग जानते होंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, एक बजट पेश होता है आपके पार्लियामेंट में, जो आपके जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो पेश करती हैं, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से इनकम आया है, किस प्रकार से एक्सपेंसेस होंगे, सारी चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं। इस पर कंसिस्टेंटली हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली जो आपकी इस समय की करेंट गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि हमारे देश का जो टैक्स लॉज सिस्टम है उसको अच्छा बनाया जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर सकें पब्लिक को, और पब्लिक के लिए हम खर्च कर सकें, पब्लिक को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, ठीक है। चलिए
ये तो हुआ रीजन कि टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों के जहन में जब भी आप टैक्स के बारे में सुनते हैं, तो सर क्या टैक्स केवल गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लॉज बनाती है, टैक्स के कायदे कानून नियम बनाती है क्योंकि सरकार को पैसे कमाने हैं, क्या यही कारण है? तो बिल्कुल नहीं, कारण बहुत सारे हैं। एक कारण ये भी होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ देश में करवानी है या फिर कोई चीज़ नहीं करवानी है तो वो भी गवर्नमेंट टैक्स लॉज में अमेंडमेंट करके उसमें परिवर्तन करके करवा सकती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बात करूँ 1994 की, तो उस समय टेलीकॉम सेक्टर में केवल एक ही कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। लेकिन 1994 के बाद 1995 में गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कि टेलीकॉम सेक्टर आज से टैक्स फ्री होगा, यानी टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जेम्प्टेड यानी कोई भी चीज़ जो टैक्स फ्री हो जाती है उसको हम एग्जेम्प्टेड कहते हैं, ठीक है? तो वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा अगले कुछ सालों तक। जैसे ही ये न्यूज़ प्राइवेट बॉडीज़ को मिली, प्राइवेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को मिली, तो सभी लोग अपने टेलीकॉम सेक्टर्स में कूद पड़े, जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। और इंडिया में आज आप लोग जानते हो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कितना आसानी से आप सभी लोगों को 1.5 GB का डेटा मिल जा रहा है। पहले 1994 की बात करूँ तो उस समय मेरे पिताजी थे, तो वो बताया करते हैं अक्सर कि जो अगर आपको किसी से बात करनी होती थी तो आपको इनकमिंग कॉल के लिए 12 रुपये 15 रुपये पे करने पड़ते, तब आप इनकमिंग कॉल पर बात कर पाते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टैक्स फ्री किया गया, गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया इस इंडस्ट्री को, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए, जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और आज टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत सस्ती हो गई है, जो पब्लिक को बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से फैसिलिटीज दे रही है। यानी टैक्स लॉज बनाने का मकसद केवल ये नहीं है कि सरकार लोगों से पैसा कमाए, मकसद ये भी है कि सरकार जो कराना चाहती है और जो नहीं कराना चाहती है वो भी करा ले, ठीक है? स्पेशली मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया उतना अच्छा नहीं है, कुछ साल पहले और अच्छा नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जितनी भी कंपनियाँ थीं उन सारी कंपनियों को राहत दी गई कि आपको अगले कुछ सालों तक टैक्स फ्री रखा जाएगा। जैसे ही राहत मिला तो नई नई कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में आई, और आज देख रहे हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, और कंसिस्टेंटली इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मकसद केवल एक है कि जब भी गवर्नमेंट चाहती है देश में कुछ काम करवाना, किसी चीज़ को डेवलप करवाना, तो वो करवा सकती है टैक्स लॉस के जरिए, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में टैक्स को एग्जेम्प्ट करके या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में टैक्स को कंपलसरी करके। जैसे अगर मान लीजिए हमारे देश में गवर्नमेंट ये चाहती है कि एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट ना हो, मतलब लोग शिक्षित ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एजुकेशन पे हैवी टैक्स लगा देगी। गवर्नमेंट कहेगी कि अगर कोई भी एजुकेशनल कंपनी है तो उसको 40% टैक्स देना पड़ेगा जितना वो कमाएगी। अब इससे क्या होगा कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं केवल उसमें से भी छोटे, बहुत कम अमाउंट के प्लेयर्स बच पाएंगे, छोटे प्लेयर्स सारे तबाह हो जाएंगे, वो बंद कर देंगे अपने बिजनेसेस को, क्योंकि वो उतना टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। उतना तो उनका इनकम, अगर इनकम होगा भी तो उतना अगर वो टैक्स पे कर देंगे तो उसके बाद से उनका जो रनिंग एक्सपेंस है वो कैसे वो रिकवर करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट के पास टैक्स एक ऐसी चाबी है जिससे गवर्नमेंट सारे तालों को धीरे धीरे खोल सकती है, ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे, काम एक और कर सकती है हमारे देश की सरकार अगर चाहे तो, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकती है टैक्स के माध्यम से। जैसे आप लोग जानते होंगे इंडिया, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया का जो इनकम गैप है वो इस इतना खतरनाक तरीके से है कि इंडिया में जो अमीर है वो सबसे अमीर है, विश्व में सबसे अमीर है, बहुत अमीर है, विश्व में उसकी रैंकिंग होती है, और जो गरीब है वो विश्व में सबसे गरीब है। मतलब इतना गरीब है कि दो वक्त की रोटी उसको नहीं मिल पाती है। तो ये इनकम गैप है कि जो अमीर है वो खूब अमीर है, जो गरीब है वो खूब गरीब है। तो इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स अलग अलग टैक्स लॉज में अमेंडमेंट लाती है, और गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इस इनकम गैप को खत्म किया जाए और इंडिया में सभी लोग एटलीस्ट इस काबिल हो कि सभी लोग की जीविका चल सके, सबके पास एक घर हो, दो रोटी हो, सब कुछ हो। तो कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट इस चीज पर भी काम कर रही है। चलिए अगर मैं बात करूँ इंडिया के टैक्स सिस्टम की, इंडिया के टैक्स लॉ की, तो इंडिया के टैक्स लॉ को सेकंड
विश्व में सेकंड रैंक मिला है मोस्ट कॉम्प्लेक्स लॉ के लिए। मतलब इंडिया में जितने भी, पूरे विश्व में जितने भी टैक्स लॉज हैं अलग अलग देशों के, उसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स दूसरे नंबर पे इंडिया का टैक्स लॉ आता है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है आपका टैक्स लॉज। टैक्स लॉज की स्पेशल पढ़ाई करते हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। उनका भी टैक्सेशन में कभी कभी दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल प्रोविजंस, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रैक्टिकल में लगाने पड़ते हैं आपको, और वहां पे आपका दिमाग खराब होने लगता है। ठीक है, तो टैक्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉ जो है इंडिया का, वो सेकेंड रैंक पे मोस्ट कॉम्प्लेक्स लॉ है, ये भी आप याद रख सकते हैं जानकारी के लिए। चलिए, तो ये तो हो गया आपका टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है, टैक्स के पीछे लॉजिक क्या है और टैक्स होता क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं टैक्स के प्रकार की, तो टैक्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है जो हम चर्चा करेंगे। इंडिया में पहले डायरेक्ट टैक्स दो हुआ करते थे, एक का नाम था, अभी भी है, इनकम टैक्स और एक था आपका वेल्थ टैक्स, जो अभी खत्म हो चुका है, यह अभी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। और आपके सिलेबस में केवल इनकम टैक्स ही, आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स में भी नहीं है। आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्स आपका फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर में होगा। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आप सभी लोग जानते होंगे GST आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो रिप्लेस किया गया है बहुत सारे टैक्सेस के द्वारा। इंडिया में पहले 20 से अधिक अलग अलग प्रकार के टैक्सेस होते थे, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी और जो इंडिया में बिजनेसेस थे वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे। उसकी वजह से इंडिया में वन नेशन वन टैक्स स्टेटमेंट के तहत एक ही टैक्स लाया गया जिसका नाम है GST, लेकिन बस कहने को एक है। इसके अलावा और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे आपका कस्टम्स हो गया, GST के अलावा कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स के अलावा कुछ और भी टैक्सेस होते हैं, अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपको अलग अलग जगह पे देने पड़ते हैं। लेकिन स्पेशली मैं बात करूं आपके सिलेबस में, तो आपका इनकम टैक्स ही आपके सिलेबस में, इसके अलावा GST है जो फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर में आपके सिलेबस में होगा। चलिए, तो ये तो हो गया आपका टैक्स, एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्यों इसको कहते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है। डायरेक्ट टैक्स का डिफिनेशन समझते हैं सबसे पहले ध्यान से, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन्स इनकम, या फिर पर्सन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो एक व्यक्ति पे लगाया जाता है, एक पर्सन पे लगाया जाता है। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, अभी मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूंगा व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, इट इज अ टैक्स दोस्तों, इसको लिखते जरूर रहिएगा साथ में, नहीं तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप लोग बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि याद हो जाएगा, बिल्कुल याद नहीं होगा, लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होगा, बाद में आप भूल जाएंगे। इट इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन, यानी लगाए जाते हैं किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ लगाए जाते हैं दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन्स इनकम, या फिर पर्सन, ध्यान से समझिएगा। आपके फैमिली मेंबर्स में से हो सकता है कोई ऐसा मेंबर हो जिसकी सैलरी 6 लाख 7 लाख से ऊपर हो, तो आपको पता होगा कि उसको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स। उसके लिए जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या फिर जो भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जो भी आपका MCOM क्वालिफाई करने के बाद एक पर्टिकुलर आप कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद आपको भी उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज जाती है, तो आप भी कर सकते हैं, CA भी कर सकते हैं, स्पेशली CA को ही ये पर्टिकुलर अथॉरिटी दी गई है, इसके अलावा और लोग भी कर रहे हैं। तो वो इंसान जिसका इनकम 6-7 लाख से अधिक है उसको टैक्स देना पड़ता है, उसके लिए स्लैब रेट्स हैं जो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप बस इतना जानिए कि आपको टैक्स दो तरीके से देने पड़ते हैं। पहला टैक्स आपको इनकम पे देना पड़ता है, यानी आपने जितना पैसा कमाया है
उस पैसे का कुछ हिस्सा आपको डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से सरकार को देना पड़ता है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इसको डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं, प्रत्यक्ष कर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप पे आप पे लगाया जाता है और आपको ही पे करना होता है। आप अगर 12 लाख की इनकम कमा रहे हैं साल में, तो 12 लाख पे टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा और वो टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा सरकार को। इसलिए हम इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि ये टैक्स डायरेक्टली उस पर्सन के इनकम पे चार्ज होता है और वो इंसान डायरेक्टली उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करता है। दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो आपके इनकम पे नहीं लगता है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर आप कोई सेवाएं लेते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, जैसे आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी आपका जीएसटी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर आप किसी बस से ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी आपका जो फेयर होता है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लेक्चर्स खरीदते हैं तो उसमें अभी आपका जीएसटी इंक्लूडेड होता है। कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं, आप बोतल खरीद रहे हैं, आप मैगी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, वो उसमें आपका टैक्स इंक्लूडेड होता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स आपसे डायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। आप सामान खरीदते हैं, सामान में टैक्स होता है, वो टैक्स आप शॉपकीपर को देते हैं, उस बिजनेसमैन को देते हैं और वो बिजनेसमैन उस टैक्स को सरकार को देता है। तो यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडियरी आ गया है। टैक्स डायरेक्टली आप सरकार तक नहीं पहुँचा रहे हैं, पहले आप टैक्स शॉपकीपर को दे रहे हैं और वो शॉपकीपर उस टैक्स को सरकार तक पहुँचा रहा है। इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, क्योंकि इसको अप्रत्यक्ष रूप से कलेक्ट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। चलिए, तो हो गया दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स इसे कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी पर्सन के इनकम पे चार्ज होता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। अब एक और चीज, पर्सन के इनकम का मतलब क्या है? पर्सन के इनकम का मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कोई HUF भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। यानी डायरेक्ट टैक्स सब पे लगता है, चाहे वो कंपनी हो, इनडायरेक्ट टैक्स भी सबसे लगता है, चाहे वो कंपनी हो या फिर कोई भी हो, चाहे वो कोई इंसान हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी टैक्स के इतिहास की कहानी और टैक्स के टाइप्स की कहानी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको सच में लग रहा है कि आपके जीवन में वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।